अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चेत दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामति कहे ऐ मोमिनो, ए मंद सोर की बीतक, आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजुर्ग, बात बड़ी बुजुर्ग, राणा के मुलक से। कल आप श्रवण कर रहे थे मंदसौर की वीतक। श्री लालदास जी के धाम हृदय से अक्षरातीत ने वीतक लिखवाई हम सब सुंदर साथ को प्रेरणा देने के लिए। हर वर्ष वीतक होती है, सब सुंदर साथ सुनते हैं, लेकिन जब तक वह वीतक का सार्थत्व हृदय में आया नहीं, आचरण में उतारा न जाए, तब तक जीवन का लक्ष्य भी पूरा होने वाला नहीं। कल आपने सुना था जब श्री जी रामपुरा में आए थे, पूरण चारण के गांव में, वहां से दुतलाई डेरा किए थे, वहां से ही मुकुंद दास जी को भेज दिया था औरंगाबाद के राजा भाव सिंह को जागृत करने के लिए। उनके साथ तीन और सुंदर साथ थे, किमाई भाई थे, बल्लभ भाई थे और केशवदास जी थे। श्री जी ने मुकुंददास जी को भेजा जागृत करने के लिए ताकि भाव सिंह वहाँ के प्रमुख राजा थे औरंगाबाद में। औरंगाबाद और आकोट महाराष्ट्र में पड़ते हैं, मंदसौर और उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, और राजा भाव सिंह का राज इतना बड़ा था कि उनके अंदर बूंदी भी नगर आता था, बूंदी जो है राजस्थान में पड़ती है। आप समझिए कि भाव सिंह का राज बूंदी से लेकर आकोट और यानी राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों तक फैला हुआ था। श्री जी जब मंदसौर से चलते हैं तो रास्ते में उज्जैन से होकर जाते हैं, उज्जैन से नुनेरे आए और पुनः वहाँ से औरंगाबाद आते हैं। जब उनको लेने के लिए मुकुंददास जी आते हैं राजा भाव सिंह के भेजने पर, तो वीतक में चार बार 22 दिन का प्रसंग वर्णित है। उज्जैन में भी श्री जी 22 दिन तक सुंदर साथ के यहाँ ठहरते हैं, काफ़ी सुंदर साथ अपने घरों ले जाते हैं। और आपने देखा कि मंदसौर में 8 महीने भिक्षा के अन्न पर समय गुजारना पड़ा था, उदयपुर में वैरागी वेश धारण करना पड़ा था, और भी समस्याएं आने वाली है। औरंगाबाद में जाएंगे वहाँ भी परेशानी, रामनगर जाएंगे वहाँ भी परेशानी। जीवन तो संघर्षों से बना है, संसार में ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं हुआ जिसको संघर्ष न झेलने पड़ते हो। जो सामान्य व्यक्ति होता है वो संघर्षों से, वो कठिनाइयों से घबरा जाता है और संघर्ष करना छोड़कर हार मान लेता है। महान वही होता है जो नदी की तेज धारा को भी अपनी भुजाओं से पार करके आगे बढ़ने का साहस रखता है, वही महान कहलाता है। पहली बार जब श्री देवचंद जी के देह त्याग का समय आया था तो श्री महाराज को बुलवाया और 22 दिन तक श्री महाराज को सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान दिया।
दूसरी बार श्री जी 22 दिन तक सिद्धपुर में रहे और तीसरी बार प्रेम जी, नाग जी और संघ जी भी दिल्ली में श्री जी के पास 22 दिन तक रहे। चौथा प्रसंग आता है उज्जैन का, जिसमें श्री जी सब सुंदर साथ के साथ 22 दिन रहते हैं उज्जैन में। सब अपने घर गुरु पद रहते हैं श्री जी और सब सुंदर साथ को भोजन उगाते हैं। 8 महीने में जो कष्ट झेला था उज्जैन में उसका बदला मिल गया, यानी केवल खाना पीना ही रहा, घर घर उत्सव होते थे और सुंदर साथ को ये लगा कि ये तो संसार का प्रवाह है। आप देखेंगे अभी धूप फैली हुई है, कुछ घंटों में ठंडक हो जाएगी। जीवन में धूप छांव होती रहती है, सुख दुख के बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन इनको धैर्य होकर के जीना चाहिए। इसी को कहते हैं समत्वम योग उच्चते। योगी कौन होता है? जो हर स्थिति में समत्व धारण किए रहे, अपमान हो रहा है तो भी धैर्य रखे, सम्मान हो रहा है तो फूल कर इतरा न जाए, सुख है तो कूदने न लगे और दुख हो जाए तो आंसू न बहाने लगे। हर स्थिति में जो सम रहता है, सर्वशक्तिमान परमात्मा पर अटूट आस्था रख करके धैर्य धारण किए रहता है, वही धार्मिक कहलाता है। अब जब राजा भाव सिंह के दरबार में जागने करने के लिए मुकुंद दास जी को भेजा जाता है, तो मुकुंद दास जी तो वैराग्य धारण कर चुके थे। खिमाई भाई, वल्लभ भाई और जो उनके तीसरे साथ थे केशवदास जी, एक दुकान में ठहर गए और मुकुंद दास जी ने क्या किया, भिक्षा मांगी। दिल्ली में 12 सुंदर साथ ने त्याग किया था, मुकुंद दास जी उनकी हंसी उड़ाते थे क्योंकि ये मुसलमानों के साथ उनको रहना पड़ा था। आखिर मुकुंद दास जी को भी तो परीक्षा की कसौटी से गुजरना पड़ेगा ही। राजा भाव सिंह के दरबार में पहुंच जाते हैं, भिक्षा मांगकर एक रेशमी थैली बनाई, कुछ प्रसाद रखा और कुछ प्रश्न उसके अंदर डालकर राजा भाव सिंह के यहाँ गए, भेंट में दिया। लेकिन राजा भाव सिंह उसको पूरा पढ़ नहीं पाए क्योंकि किसी भी राजा तक पहुंचना इतना सरल नहीं होता। महंत रामदास ने देखा कि ये जो महात्मा आया है कहीं राजा भाव सिंह को अपने पक्ष में कर लेगा और राजा भाव सिंह उनसे प्रभावित हो जाएंगे तो जो मैं राजगुरु कहलाता हूँ यह पद कहीं मेरे से छूट न जाए और राजगुरु कहलाने से जो मुझे पद प्रतिष्ठा मिली हुई है यह प्रतिष्ठा चली न जाए। संसार में वैर भाव हर प्राणी में पाया जाता है। एक किसी वन में एक गजराज रहता हो हाथी, तो दूसरे नर हाथी के पैदा होते ही कोशिश करता है कि उसको मार डाले। हाथी नहीं पैदा हो तो उसको खुशी है, हाथी पैदा हो उसको कष्ट है। वन बिलाव को देखिए, यदि बिल्ली नर पैदा करती है तो खोज करके वो उसको मार डालेगा। 2 दिन का बच्चा होगा उसको भी वन बिलाव मार डालता है, हाँ मादा को नहीं मारेगा। शेर और बाघ की भी यही कहानी है, अपने क्षेत्र में दूसरे किसी बाघ को या शेर को कोई आने नहीं देता। क्यों? ये मनुष्य में ही नहीं हर प्राणी में प्रतिद्वंद्व होती है और जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही महान कहलाता है। जो राजगुरु महंत रामदास था वो वैसे ही तुच्छ हृदय का व्यक्ति था। वो सोचता था कि महाराजा को मैं अपने घेरे में लिए रहूं और उनसे किसी भी महात्मा विद्वान को मिलने न दूं। उसने देख लिया कि या जो मुकुंद दास जी हैं राजा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत बड़े डंडे, मोटे डंडे के साथ शहर में उनको पा गया था। औरंगाबाद में घूमते हुए डंडा से मारते मारते नदी के उस पार पहुंचा दिया और कह दिया, यदि फिर तुम औरंगाबाद में दिख गए तो याद रखो अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। आप सोचिए, मुकुंद दास जी सोचते हैं कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा, जिन 12 सुंदर साथ को मैं हीन भावना से देखा करता था कि ये मुसलमानों के यहाँ हो करके आए हैं, उन्होंने तो वहाँ अपनी पताका फहरा दी, औरंगजेब के दरबार में जाकर औरंगजेब के काजियों से संघर्ष कर लिया,
औरंगजेब को खरी खोटी भरी सभा के बीच में सुना करके आ गए और मैं इतनी मार खाया हूँ कि मेरे शरीर पर डंडों के निशान बने हैं, यह लेकर के मैं श्री जी के सामने किस मुंह से जाऊँ। एक तरीका निकाला, उनको मालूम था कि राजा भाव सिंह देवी का भक्त है और उनके राजमहल से थोड़ी दूरी पर देवी का मंदिर है, निश्चित है कि राजा प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। पुनः भिक्षा मांगी, प्रसाद तैयार किया और उसमें भागवत और वेदांत के प्रश्न लिखकर 23 प्रश्न लिखकर चुपके से रख दिया। जब राजा देवी के मंदिर में दर्शन करने आए तो परिक्रमा में छिप करके बैठे थे मुकुंददास जी, जाने लगे तो उनको प्रसाद के रूप में वो थैली भेंट कर दी कि महाराज यह मेरी तरफ से आशीर्वाद रूप में है, इसको ग्रहण कीजिए। सवेरे सवेरे महाराज ने देखा कि एक महात्मा ने मुझे प्रसाद दिया है, तो इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात होती है। महल में जाकर भाव सिंह ने उस थैली को खोला तो कुछ प्रसाद की सामग्री थी और वे प्रश्न थे। मुकुंददास को बुलाया गया राजा के आदेश से और भाव सिंह ने उन प्रश्नों को पढ़ना शुरू किया। प्रश्न बहुत रोचक लगे। जब उन्होंने प्रश्नों को पढ़ना शुरू किया, महंत रामदास वही था, उसने देखा कि ये तो प्रश्न राजा के पास पहुंच गए। पहली बार जो भेजा था महंत रामदास ने, राजा तक उन प्रश्नों को पहुंचने ही नहीं दिया था। अब जो राजा है भाव सिंह, उन प्रश्नों को पढ़कर इतने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं अपने सेवकों से कि मुकुंददास जी को मेरी हवेली के बगल में स्थान दे दो, रहने के लिए उनको कक्ष निर्धारित कर दो। रामदास जो महंत था कहता है कि नहीं महाराज, इनको मैं अपने घर ले जाऊंगा, इनकी सेवा मैं करूंगा। यह सुनते ही मुकुंददास जी कहने लगे कि महाराज मुझे भूल कर भी इनके घर मत भेजिए, ये मेरी पीठ देखिए। जब मुकुंददास जी ने अपनी पीठ का कपड़ा हटाया तो राजा को देखकर इतना क्रोध आया। भाव सिंह देखते हैं कि राजा भाव सिंह देखते हैं कि मुकुंददास जी के शरीर पर बड़े बड़े डंडों के भयानक निशान हैं, पूरे शरीर पर गहरे दाग बन चुके थे। राजा भाव सिंह ने कहा कि महंत तुम विद्वान नहीं हो, तुम्हारे जैसे दुष्ट ने ही मेरे राज को कितना बदनाम किया होगा, कोई भी मेरे से मिलने आता है तुम उसके साथ ऐसी निर्दयता का व्यवहार करते हो, अभी मेरे राज्य से इस समय बाहर निकल जाओ। महंत रामदास को तो बाहर निकाल दिया। अब अपने दरबार के पंडितों से कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर दो। जो पंडित थे सोचे कि अब तो हमारे ऊपर सामत आ गई है, उन्होंने निंदा करनी प्रारंभ कर दी कि ये कैसे पंडित हैं, कैसे महात्मा है जो इस तरह के प्रश्न लेकर के आ जाते हैं। क्योंकि कुछ प्रश्नों को पहली बार जो प्रश्न भेजा था वो महंत रामदास के हाथ में लग गए थे और वो सारे प्रश्न पंडितों को भी पता चल गए थे। महंत ने कहना शुरू कर दिया था कि महाराज ये तो देखिए, ये श्री कृष्ण के दो रूप बताते हैं, एक बाल रूप बताते हैं, एक कृष्ण एक युवा स्वरूप बताते हैं, कहते हैं कि इस दुनिया में नहीं अखंड धाम में है, भला कहीं परमात्मा भी तो होते हैं। मुकुंददास जी ने कहा कि महाराज देखिए, इन पंडित लोगों से आग्रह है कि जितने प्रश्न पूछने हैं पूछें और मैं भी पूछता हूँ, जो एक दूसरे का उत्तर नहीं दे पाएगा उसके सिर पर पन ही समझते हैं ना खड़ाऊँ, आजकल की भाषा में जूता, जो उत्तर नहीं दे पाएगा उसके सिर पर जूता रखकर पन्ही रखकर पूरे नगर में घुमाया जाएगा। जो राजा के पंडित थे राज दरबार में, उन्होंने 80 प्रश्न पूछे और मुकुंददास जी ने उन्हीं 80 प्रश्नों को उसी दिन सबके सामने हल करके सही उत्तर बता दिया। फिर मुकुंददास जी ने कहा कि मेरे केवल 23 प्रश्न हैं और 15 दिन की छुट्टी है, इन 15 दिनों में मुझे उत्तर चाहिए। अब बेचारे पंडित सारे ग्रंथ खोज डाले, पूरी भागवत पढ़ डाली, जितने ग्रंथ उनके पास हो सकते थे पढ़ते, लेकिन उत्तर कहाँ से आए।
अखंड लीला से संबंधित वेदांत और भागवत के प्रश्नों का उत्तर कौन दे सकता था। सब पंडितों ने मिलकर आपस में विचार किया कि क्या करें, अब तो अपना आशीष चल करके मुकुंददास जी के चरणों में रख दें, नहीं तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्योंकि राजा ने कह दिया था कि जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आएगा महल से कुछ नहीं मिलेगा। प्रतिदिन हर पंडित को 10-20 रुपये मिलते थे, उस युग में 10-20 रुपये बहुत अधिक होते थे। राजा ने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर आए बिना किसी भी पंडित को दक्षिणा नहीं मिलने वाली है। सब पंडित आए और मुकुंददास जी के चरणों में कहने लगे कि मुकुंददास जी आप एक बार नहीं कहिए, हम हजार बार लिख कर देते हैं कि हम आपसे हार खाते हैं। यदि आपके स्वामी जी ने यही सिखाया है कि पंडितों के परिवार को भूखा मारो तो ठीक है, हम यहाँ से छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, गुजारा कर लेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देना हमारे बस के लिए संभव नहीं है। मुकुंददास जी ने कहा कि अच्छा, हम आपके लिए कोई व्यवस्था करेंगे। भाव सिंह के पास आते हैं और कहते हैं कि भाव सिंह, जिन प्रश्नों का उत्तर तारतम्य ज्ञान के बिना कोई इस दुनिया में दे नहीं सकता, चाहे कितना भी ऋषि मुनि क्यों न हो, विद्वान क्यों न हो, उनको बेचारे ये पंडित क्या उत्तर दे पाएंगे, इसलिए इन पर दया की जाए। राजा भाव सिंह ने कहा कि इनको अब पूरा तो नहीं मिलेगा, पूरी दक्षिणा नहीं दी जाएगी, जितना मिलता था उसको आधा ही से ही उनको गुजारा करना पड़ेगा, आधी दक्षिणा मिलेगी। पंडितों ने सोचा कि चलो ना ही से तो कुछ भला। अब मुकुंददास जी ने सारा कुछ परमधाम के बारे में बताया, अखंड ब्रज रास परमधाम की चर्चा सुनाई। भाव सिंह की आत्मा जागृत हो जाती है और भाव सिंह मुकुंददास जी को कहते हैं कि आप जाइए, श्री जी को आदरपूर्वक ले आइए, और पत्र भी लिख करके दे देते हैं कि हथनी की सवारी करा लीजिएगा, रास्ते का व्यय दे देते हैं, और बूंदी में एक हवेली भी कह दी कि बाई जी राज जी को वहाँ बूंदी में हवेली में ठहरा देना। इधर औरंगाबाद में सब सुंदर साथ किस तरह से गुजारा कर रहे होते हैं, सब आपने सुना होगा मंदसौर की बीतक में कि भिक्षा मांगकर सब सुंदर साथ लाते हैं, सब सुंदर साथ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, बाई जी राज जी सब भिक्षा के मिले हुए भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करती हैं और सबको उनकी पात्रता के अनुसार बांटा जाता है। 8 महीने तक भिक्षा के अन्न पर परमधाम की उन ब्रह्मात्माओं ने गुजारा किया और स्वयं अक्षरातीत जिस तन में बैठे हैं उस तन ने भी भिक्षा का अन्न ग्रहण किया। किसके लिए? यह शिक्षा देने के लिए कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भौतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है, विलासता के लिए कोई स्थान नहीं है। एक बार एक बौद्ध मठ में, आपको विदित है कि प्राचीन काल में जब बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था तो सम्राट अशोक हो, हर्षवर्धन हो, कनिष्क हो, सबने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था और आवश्यकता से अधिक धन का दान बौद्ध मठों में हुआ करता था। एक बार राज्य की तरफ से कोई अधिकारी आया कि जो धन आता है उसका उपयोग कैसे होता है। बौद्ध आचार्य ने बताया कि देखिए, जो धन आता है बौद्ध भिक्षुओं को पहनने के जो चीवर यानी वस्त्र होते हैं, जब वो पुराने पड़ जाते हैं तो उसको हम गद्दा सिल लेते हैं, गुदड़ी बना लेते हैं, और जब वो गद्दा भी फट जाता है, चिथड़े चिथड़े हो जाता है, तो उसको हम दीपक की बत्ती बना लेते हैं। आप सोचिए, एक एक वस्त्र के रेशे रेशे का उपयोग हो गया। जब तक ये त्याग भावना रही तब तक बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा, और जब ये त्याग भावना समाप्त हो गई, सुख सुविधा बढ़ गई, आलस्य प्रमाद बढ़ गया, तो भोग विलास की प्रबलता हो गई। जब तक आश्रमों में त्याग रहेगा, तप रहेगा, ज्ञान और भक्ति की धारा बहती रहेगी, तब तक धर्म उज्जवल रहेगा, पंथ उज्जवल रहेगा। लेकिन जब सांसारिक सुविधाओं की अधिकता हो जाएगी तो आलस्य प्रमाद मनुष्य के अंदर बढ़ता है। आलस्य और प्रमाद में बढ़ने के कारण ध्यान और भक्ति से, ज्ञान ज्ञानार्जन से मन हट जाता है, परिणाम विषय विकारों की प्रबलता बढ़ जाती है और वहाँ से पतन प्रारंभ हो जाता है। हर पंथ की यही कहानी है, आलस्य और प्रमाद
तमोगुण के कारण पैदा होते हैं। रजोगुण में कर्म की प्रवृत्ति होती है, सतोगुण में ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्रवृत्ति होती है। इसलिए प्रत्येक धार्मिक संस्था में आहार का अतिशय महत्व है। जिस धार्मिक संस्था में पैसे का चढ़ावा होगा, खूब तिखी तिखी मिर्चें खाई जाएंगी, लहसुन प्याज भी खाया जाएगा, गरम मसाले खाए जाएंगे, लोग भोजन के बाद सो जाया करेंगे, उस संस्था का आज नहीं तो कल पतन होना निश्चित है। उजाड़ वो संस्था अवश्य होगी, क्योंकि वहाँ रजोगुण बढ़ेगा तो उसकी प्रवृत्ति तमोगुण में बदलेगी। तमोगुण के बढ़ते ही ज्ञान भक्ति वैराग्य सब समाप्त हो जाएगा, भौतिकता के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और वो उस संस्था को ले डूबता है। कोई जड़ पर ध्यान नहीं देता है। वृक्ष की जड़ में पानी दीजिए तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, पत्तों पर जल छिड़कने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी समाज किसी भी संस्था का मूल आधार होता है ज्ञान भक्ति और शिष्ट आचरण, और इसकी पहली कक्षा है सात्विक आहार, सात्विक अल्पाहार, नियमित ध्यान, नियमित स्वाध्याय, परब्रह्म के प्रति अटूट समर्पण। जब तक ये नहीं रहेगा तब तक कोई भी संस्था फल नहीं सकती। आप सोने की ईंटों से कोई आश्रम बना लीजिए, मंदिर बना लीजिए, तब भी वो तब तक प्रगति नहीं करेगा जब तक उसके अंदर सबको नियमित ध्यान न कराया जाए, नियमित स्वाध्याय न कराया जाए, सबके अंदर अटूट श्रद्धा और समर्पण का भाव न भरा जाए और सबका भोजन सात्विक और अल्पाहार न हो। जहाँ भर भर पेट भोजन किए जाते हैं, खूब तीखी तीखी मिर्चें खाई जाती हैं, लहसुन प्याज खाए जाते हैं, गरम मसाले खाए जाते हैं, उस संस्था को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। पैसे से कोई संस्था नहीं चला करती है। हाँ, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ज्ञान हट जाएगा, भक्ति हट जाएगी, सात्विकता हट जाएगी, तो पैसा तो सेठों के पास भी होता है, वो कोई ऋषि मुनि नहीं बन पाते, परमहंस नहीं बन पाते। धार्मिक संस्थाओं में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से यदि अर्थ आता है तो उसका उपयोग ज्ञान अर्जन में, ज्ञान के प्रकाश प्रसार में खर्च किया जाए। लोगों को अनावश्यक ऐसी विलासिता की सुविधाएँ न दी जाए जो उनमें आलस्य और प्रमाद पैदा करे, क्योंकि आलस्य और प्रमाद अकर्मण्यता किसी भी व्यक्ति और समाज के पतन का मूल कारण बन जाता है। अब भाव सिंह कहते हैं मुकुंददास जी कि मुकुंददास जी अब आप जाकर श्री जी को लेकर आइए। श्री जी सब सुंदर साथ के साथ चल देते हैं। भाव सिंह आगे आकर के श्री जी का स्वागत करते हैं, अपने में महल में ले जाते हैं। भाव सिंह इतने आनंद मग्न हैं कि उनको लगता है कि मुझे कितनी बड़ी दौलत आ गई है, मिल गई है, मेरे घर स्वयं परमात्मा चल करके आए हैं, खुशी में मग्न। श्री जी जब जाते हैं तो दोनों अपना शीश चरण शीश श्री जी के चरण कमलों में रख देते हैं और स्वागत सत्कार करते हैं, अपने महल में ठहराते हैं भाव सिंह। एक बार सुंदर साहब जब कीर्तन कर रहे थे, राज के कीर्तन सुनकर भाव सिंह को इतनी श्रद्धा भावना बढ़ जाती है कि वो भूल जाते हैं कि वो राजा हैं, महाराजा हैं, सबके बीच में मस्त होकर के नाचने लगते हैं। जैसे चर्चा होती है, कीर्तन होती है, भक्ति भाव में भाव विभोर हो जाते हैं। एक दिन श्री जी ने कुरान पक्ष की कुछ चर्चा की तो भाव सिंह पुस्त कहते हैं कि धाम धनी, यदि कुरान में भी हमारी साक्षी है तो एक तरफ मेरी तलवार रहेगी और दूसरी तरफ औरंगजेब रहेगा। औरंगजेब को पकड़ करके मैं आपके चरणों में ला दूंगा, लेकिन मेरे दरबार में चार मुस्लिम कर्मचारी हैं, आप इनको कुरान के द्वारा संतुष्ट कर देंगे कि आप ही आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी हैं, तो आप देखिए आपके एक आदेश पर मैं औरंगजेब के सेना से लड़ने के लिए तैयार हूँ। श्री जी ने कहा कि उन सबको मेरे पास भेजो मेरी चर्चा के लिए। सबसे पहले अव्वल खान जो उदयपुर का मिला हुआ था, देखा कि धामधनी यहाँ भी आ गए, पहचाने परवरदिगार, वो पहचान लिया कि उदयपुर से श्री जी यहाँ आ गए हैं। आते ही देखकर श्री जी के चरणों में लोटपोट हो गया वही अव्वल खान जो श्री जी की पहचान करने के बाद घोड़े से उतरकर चाबुक से अपने शरीर पर मारने लगा था
कि स्वयं अक्षरातीत अल्लाह ताला आए और मैं कितना पागल था जो आज तक इनके चरणों में नहीं आ पाया था। उसके पश्चात मेहन खान आता है, उसको भी पहचान हो जाती है। एक बचता है जहान मोहम्मद। जहान मोहम्मद वहाँ के जो भी पठान थे सबको कुरान की शिक्षा दिया करता था। वहाँ के जो पठान थे उनका व्यवसाय था व्यापार, लेकिन सभी पठानों में वो आकिल खान उनके सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था, सबका उस्ताद था, पूरी कुरान की तफसीर उसको कंठस्थ थी और सबको वो ही कुरान की शिक्षा दिया करता था। दो महीने आकर के श्री जी के चरण में उस चर्चा सुनता है, लेकिन उसको भी पूरी संतुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि मनुष्य का अहंग एक सबसे बड़ा पर्दा बन जाता है। ज्ञान को ग्रहण करने में जब तक अहंग का परित्याग न हो, जब तक मनुष्य सोचता है कि मैं कुछ हूँ, तब तक वो ग्रहण नहीं कर पाता। एक बार भगवान बुद्ध से एक सेठ ने कहा कि भगवान मुझे तत्व ज्ञान दर्श सुनाइए, और अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित किया। भगवान बुद्ध गए भोजन के लिए, भोजन किया और अपने कमंडल में गोबर भर करके ले गए। जब सेठ ने भोजन कराया और कहा कि मुझे उपदेश दीजिए, तो बुद्ध ने कहा कि जो तुम खीर लाए हो उस खीर को इसमें रख दो कमंडल में। सेठ कहता है कि भगवान इसमें गोबर भरा है, मैं खीर कैसे रख सकता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि देखो, तुम्हारे मन में जो द्वेष भावना है, घृणा के विकार है, लोभ है, अहंकार है, इसको जब तक तुम छोड़ोगे नहीं, मेरा दिया हुआ ज्ञान तुम्हारे अंदर कैसे प्रवेश करेगा। सेठ को अपनी भूलों पर बहुत पश्चाताप हुआ और उसने अपने कदम सुधार की तरफ बढ़ा दिए। अब आप देखें कि जहान मोहम्मद दो महीने तक तो चर्चा सुनता है, लेकिन पूर्णतः बोध नहीं हो पाता है। एक दिन लालदास जी ने और उत्तम दास जी ने परम धाम की लीला का कुछ वर्णन कर दिया। सुंदर साहब की यही आदत होती है, कोई नया आता है तो सीधे बता देते हैं कि हमारे राज्य मूलमिला में बैठे हैं, उनका ये श्रृंगार है, ये श्रृंगार है। यह बात सुनते ही उसको गुस्सा आ गया जहान मोहम्मद को कि तुम लोग काफिर हो, कुरान के अनुसार अल्लाह ताला की सूरत का जो वर्णन करता है वो काफिर कहलाता है, और मैं तो जा रहा हूँ, मैं यहाँ का पानी भी नहीं पीऊँगा। गुस्से में आया और चला गया। है परम धाम की ब्रह्मात्मा, लेकिन उसके सामने एक पर्दा पड़ा है अहंकार का कि मैं कुरान का इतना विद्वान और ये हिंदू बैरागी मुझे कैसे समझा सकते हैं कुरान के बारे में। यही ग्रंथ है, मनुष्य जो साधना करता है, मनुष्य जो ग्रंथों का अध्ययन करता है, यदि उसका अहंकार का परित्याग कर हो जाए तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता है। लेकिन यदि आप 1000 साल भी समाधि लगाए रखिए, साधना कीजिए, आपका अहंग नहीं चाहेगा कि मैं कुछ हूँ, तब तक आपकी समाधि नहीं लग सकती है। समाधि कब प्राप्त होगी? जब अहंग समाप्त हो जाएगा। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना। ईश्वर प्रणिधान किसको कहते हैं? परमात्मा पर सब कुछ समर्पित हो जाना। चित्त से चिंतन छोड़ दीजिए, मन से मनन छोड़ दीजिए, बुद्धि से विवेचना छोड़ दीजिए, क्या होने वाला है क्या नहीं आपका विषय नहीं है, और अहंकार से अपना अहंपना छोड़ दीजिए। मेरा शरीर इतना सुंदर है, मैं इतने कुल खानदान का हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे अंदर यह अच्छाई है, यह सब माया है। आप अपने मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों को पूर्णतया जब छोड़ देंगे तो आपका चित्त शांत हो जाएगा। आज आपको सुंदर रूप मिला है, उस रूप के कारण आप अहंकार कर रहे हैं, ये रूप तो नष्ट हो जाएगा। आपको धन मिला है, धन भी कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा। प्रतिष्ठा मिली है, पद मिला है, ये सब भी नष्ट हो जाएगा। आप बहुत ऊँचे खानदान के हैं तो क्या हुआ, आप मरेंगे तो खानदान तो आपके साथ जाएगा नहीं। संसार में जो भी उपलब्धि होती है उसका अहंग पालना एक बहुत बड़ी भूल है जो योगी महात्मा होते हैं। इसलिए अपने पूर्व जीवन की सारी चीज़ों को भुला देते हैं,
कि मैं किस खानदान में पैदा हुआ, कितना मेरे पास धन है, कितनी प्रतिष्ठा है, ये याद रखेंगे तो आपको समाधि नहीं प्राप्त होगी, ना आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। यही समस्या थी उसके अंदर, जहान मोहम्मद के अंदर। श्री जी ने से सुंदर साथ पूछते हैं कि क्या हम उसको मना करके लाएं? श्री जी ने कहा कि नहीं, वो जा रहा है उसको जाने दो। जिसने मेरी चर्चा 2 महीने सुन रखी है वो घर ही रह नहीं सकता, अगले दिन अपने आप भागा हुआ आया, क्योंकि हृदय तड़प रहा है, श्री जी के बिना रहे कैसे। आकर के पूछता है कि आप मुझे समझाते क्यों नहीं कि मुर्दे कैसे उठेंगे? आपने कहा कि क़यामत का समय आएगा तो मुर्दे खड़े हो जाएंगे, आप मुझे इस तथ्य को समझाइए। श्री जी उसको सारा बताते हैं कि देखो, परम धाम अरसे अजीम में अल्लाह ताला यानी सच्चिदानंद परब्रह्म के अंदर एक बात आई कि मैं अपने आत्माओं को अपनी पहचान दो, मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। सखियों ने चाहा कि हम अक्षरातीत की माया की लीला देखें, अक्षरातीत अपने सत अंग से जो लीला करते हैं उस अक्षर ब्रह्म की माया की लीला देखें, और अक्षर ब्रह्म के अंदर डाल दी कि परम धाम में अक्षरातीत अपनी आत्माओं से जो प्रेम की लीला करते हैं वो मैं देखूं। सतंग आनंद की लीला को देखना चाहता है, आनंदंग सत की लीला को देखना चाहता है, या खेल का कारण हुआ। और महाकारण क्या है? अक्षरातीत ने अपनी पूरी पहचान देनी है, अक्षर को भी और सखियों को भी। आनंदंग सतंग को नहीं जानता, सतंग आनंद को नहीं जानता, अक्षरातीत अब अपना दिल दोनों के लिए खोल देना चाहते हैं, यह खेल का महाकारण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप सखियों को पहले ब्रज में आना पड़ा, दूसरी बार रास में आना पड़ा, और इसके पश्चात इस जागने के ब्रह्मांड में आना पड़ा। इसके पहले जब तीसरे दिन का खेल हुआ जिसमें अक्षर की आत्मा को अरब में भेजा अपना दूत बनाकर, रसूल बनाकर, जिसने कुरान का अवतरण किया ताकि क़यामत के समय में ब्रह्मात्माएँ आएँ तो उनकी आत्मा जागृत हो जाए, उनको साक्षी मिल सके कि हाँ कि सारे संसार के सच्चिदानंद परब्रह्म आए हुए हैं। जो मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा है कि क़यामत के समय में मुर्दे उठेंगे, तो जाहिर मुसलमान आज भी क्या सोचते हैं, मरने के पश्चात वो उसको मिट्टी में गाड़ते हैं। अरब की धरती के लिए तो ठीक था, वहाँ ज़मीन की अधिकता है, बालू ही बालू है, लकड़ी होता नहीं, वहाँ लकड़ी की कमी है, किसी को जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से लाएंगे, जहाँ वृक्ष नहीं बालू ही बालू है, तो वहाँ की पद्धति के अनुसार ठीक है कि ज़मीन खोदा और उसको मृतक शरीर को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। लेकिन भारत जैसी धरती पर जहाँ का एक एक कदम उपजाऊ है, लकड़ी की अधिकता है, यहाँ भी कब्रिस्तान में लाखों बीघे ज़मीन को बर्बाद करना कहीं भी नीति संगत नहीं है। परिस्थिति के अनुसार कर्मकांड के नियम बनाए जाते हैं, लेकिन एक ही नियम को थोपना कि नहीं हमारा मजहब ही है, ये मजहब नहीं है, ये धर्म नहीं है। आप यदि रूस में जाएं और सोचें कि दिन में हम 3-3 बार नहाएं तो परिणाम क्या होगा? जहाँ 0 से 30 सेंटीग्रेड का तापक्रम है नीचे, उसमें ठंडे पानी से आप नहाएंगे तो शरीर तो रहेगा ही नहीं। और जहाँ आप राजस्थान में आप चले जाइए, 50 का टेम्परेचर है, और आप सोचे कि नहीं मैं 10 दिन तक नहाऊंगा ही नहीं, तो परिणाम क्या होगा? गर्मी से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए देश काल परिस्थितियों के अनुसार नियम बदले बनाए जाते हैं, लेकिन उन नियमों को ही धर्म मान लेना नादानी है। विपरीत परिस्थितियों में वही आचरण नहीं करना चाहिए। आप चले गए मानसरोवर दर्शन करने और वहाँ भी ठंडे पानी से नहाएंगे तो तबीयत तो स्वास्थ्य तो खराब हो गए। इसलिए मोहम्मद साहब ने जो उस समय नियम बनाए थे कि अरब की धरती के अनुसार देख करके कि स्नान भी करना है तो पानी की बचत करनी है, क्योंकि वहाँ पानी कहाँ मिलता है। आज अपने देश में भी जैसलमेर के इलाके में चले जाइए तो वहाँ अभी भी पानी की समस्या आ जा रही है, और भारत के लोग अभी भी सावधान नहीं हुए। पानी
कि बचत करना इस देश के लोग नहीं जानते, सफाई रखना नहीं जानते। आप यूरोप चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, कनाडा चले जाइए, हर देश एक हर गांव के बाहर बड़े बड़े तालाब हैं, अपने पानी की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोग ज़मीन से तो पानी निकालते जाते हैं, सारे तालाबों को सुखाते जा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कल को क्या होगा, पानी नहीं रहेगा पृथ्वी पर, जीवन नहीं रहेगा। वृक्ष को काटते जा रहे हैं, वृक्ष नहीं रहेंगे ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी। यदि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन समाप्त हो जाए तो इसी में प्रलय हो जाएगा, ये पूरी धरती जो दिखाई दे रही है धस जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, एक भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रह पाएगा। लेकिन लोग बेरहमी से वृक्षों को काटेंगे, ज़मीन से सारा पानी निकालते जाएंगे तो क्या होगा, सारी धरती बंजर हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन भारत के लोगों को कौन समझाए। अब वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार कब्र में मुर्दों को डाला, मुर्दों को दफनाया जाने लगा। कुरान के 22 शब्दों का अर्थ लेने वाले यही मानते हैं कि जब क़यामत का समय आएगा, अल्लाह ताला अपनी आवाज़ देगा तो कब्रों से मुर्दे उठेंगे। कब्र से मुर्दे उठने का तात्पर्य क्या है? तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर जीव जागृत हो जाएगा। यह शरीर क्या है? मुर्दा। इस शरीर में रहने वाला जीव यह नहीं जानता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है, मेरी आत्मा का मूल प्रीतम कौन है, कहाँ है, कैसा है। जब यह बोध हो जाएगा तो इस शरीर रूपी कब्र से परे हटकर परमात्मा के ध्यान में लग जाएगा। इसको कहते हैं कब्र से मुर्दों का उठना। कयामत दो तरह की है, सुग्रा और कुबरा। कयामत सुग्रा उसको कहते हैं जब तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर जीव स्वयं को जागृत कर लेगा, और कयामत कुबरा जो बड़ी कयामत उसको कहते हैं जब उस ज्ञान के कारण योग माया के ब्रह्मांड में बहिस्तों में उसको अखंड सुख मिलेगा, मुक्ति का। और जब अक्षर ब्रह्म की आत्मा की फरामोशी हटेगी तो ये खेल समाप्त हो जाएगा। जिसने तारतम ज्ञान को ग्रहण कर सच्चे हृदय से अक्षरातीत के युगल स्वरूप का ध्यान किया, शरीर छोड़ने के पश्चात उसको वो स्मृति बनी रहेगी कि मूल स्वरूप राज्य श्यामा जी क्या हैं। परिणाम शरीर छोड़ने के बाद जब इस ब्रह्मांड का प्रलय होगा तो अक्षर के हृदय में वो अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह है कब्र से मुर्दों का उठना। जैसे ही यह बात सुनता है जान मोहम्मद, उसको जोश आता है और भाव में इतना बेसुध हो जाता है कि उसको कुछ याद ही नहीं रहता। हर समय राज्य की याद में खोया रहता है। अब जो पठान थे उनको बहुत बुरा लगता है कि जो हमारा उस्ताद था वही एक हिंदू वैरागी का शिष्य बन गया, इससे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। उन्होंने सोचा कि पहले हम अपने उस्ताद को समझाएं कि किसी हिंदू वैरागी से दीक्षा न लें, यदि वो नहीं मानता है तो उसकी हम हत्या कर देंगे। मुसलमानों में ऐसे ही चलता है। दूसरों को तो अपने धर्म की बात स्वीकार करवाने में सवाब मानते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि उनका कोई व्यक्ति किसी दूसरी विचारधारा को ग्रहण कर लेगा तो उसकी हत्या करने तक को उतारू हो जाते हैं। एक बार जब जहान मोहम्मद आ रहे थे श्री जी के पास चर्चा सुनने, तो कहरबान उन पठानों से उलझ पड़े, रास्ते झगड़ा करने लगे। श्री जी ने उनको कहा कि देखो जहान मोहम्मद, इनसे उलझो नहीं, ये अनाड़ी लोग, असभ्य लोग हैं, इनके पास सभ्यता और शिष्टाचार नहीं है, तुम इनसे उलझ करके कुछ लाभ नहीं ले पाओगे। जहान मोहम्मद के देखिए विचार कितने ऊंचे हैं। जहान मोहम्मद कहता है मैं तो साहेब देखिया जाहिर अपने नैन, तहां खतरा होते हैं ये मुक्ते न कहो बैन। आज समाज के बड़े बड़े विद्वान प्राणनाथ जी को संत कवि आचार्य कहते हैं। एक जहान मोहम्मद है कट्टर मुसलमान पठान है, कह रहा है कि मैं तो साहेब देखिया जाहिर अपने नए, मैंने तो आपको अपनी आंखों से
अल्लाह ताला के रूप में देखा है और आप इन कह रहे हैं कि मैं इन मुसलमानों से डर जाऊं, इनसे ना रुकूं, इनसे मैं समझौता कर लूं, ये तो मुझे आपके पास आने से रोक रहे थे, इसलिए मैं इनसे झगड़ पड़ा था। समय बीतता जाता है, एक दिन मजलिस चल रही होती है, वो सारे पठान लड़ने के लिए आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये हिंदू वैरागी होकर जब देखो तब ये कुरान क्यों पढ़ रहे हैं और हमारे बड़े बड़े मुसलमानों को बहका ले रहे हैं, ये तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। जब सारे पठान मिल करके आते हैं, कहते हैं कि ए भगत जी ये क्या कर रहे हैं आप। उस समय क्या होता था, 10:30 बजे तक उदयपुर के रहने वाले भवानी भट्ट बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत लेकर के आए थे, उसका वो पाठ करते थे। ऐसी समय में चर्चा चला करती थी प्रातःकाल, संध्या समय श्री जी की आरती होती थी, सब सुंदर साथ इकट्ठे होते थे और रात्रि तक के काफ़ी समय तक चर्चा वाणी चलती रहती थी। लालदास जी और भवानी भट्ट सारे ग्रंथ लेकर बैठते थे और रात्रि को दीपक जला दिए जाते थे, उन दीपकों के प्रकाश में काफ़ी रात तक चर्चा का कार्यक्रम चलता रहता था। और उस श्री जी जब आराम करने लगते थे तो सुंदर साथ अपना कीर्तन का गायन वगैरह करते रहते थे। यानी सुंदर साथ के पास तड़प थी कि किस तरह से हमारा सारा जीवन परमधाम की चर्चा सुनने में लगे, परमधाम के आनंद में लगे। उसी समय पठान सारे इकट्ठे होकर के आ गए। उस समय मजलिस में यानी श्री जी की चर्चा सुनने के लिए अव्वल खान बैठा था, मिहिन खान बैठा था और जहान मोहम्मद भी बैठा था। जब सबने देखा कि ये पठान लड़ने के लिए आ गए हैं तो ये सारे उठ खड़े हो गए और जो उन पठानों को फटकार लगाई तो सारे पठान यह कहकर भागने लगे कि यारों यहाँ से चलो, ये तो धरती बदल फिर गई है, ये ऐसा व्यक्ति है हिंदू वैरागी जो सबके ऊपर जादू कर देता है, इसको तो देखकर हमारे मुसलमान भाई कहने लगे हैं कि यही अल्लाह ताला है, यही अल्लाह ताला है, इसके सिवाय कुछ नहीं। यानी सारे मुसलमान जो पठान थे वहाँ से भाग खड़े हुए। अब जो फतेह मोहम्मद था, भाव सिंह ने कहा था कि मेरी सभा के 4 सदस्य जो हैं, मेरी मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य मुसलमान हैं। जो भाव सिंह का मंत्री था वो फतेह मोहम्मद था। राजाओं से बहुत बड़ी भूल होती थी, हिंदू राजा पहले ही भोले होते थे। आमतौर पर यही देखा गया है कि अधिकतर हिंदू राजाओं के राज्य का अपहरण उनके मुसलमान प्रधानमंत्री ने कर लिया है, क्योंकि मुस्लिम जगत का इतिहास यही रहा है। इन्होंने तो अपने संगे भाइयों को मार करके गद्दी हथियाई, संगे पिता को मार कर गद्दी हथियाई। अकबर के विरुद्ध उसके बेटे जहांगीर ने विरोध किया, विद्रोह कर दिया था और जहांगीर के विरोध में उसके बेटे शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था। शाहजहां को कैदखाने में डाल दिया था औरंगजेब ने और जहर मिश्रित तेल से मालिश करवाकर मार डाला था। फिर औरंगजेब के साथ भी ऐसे ही हुआ, सबके साथ होता रहा है। फिर भी हिंदू राजाओं को ये समझ में नहीं आया कि वो अपना प्रधानमंत्री मुस्लिम को क्यों बनाते हैं। राजा भाव सिंह से भी यही भूल होती है। आप देखेंगे टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली भी एक हिंदू राजा का मंत्री था। राजा अभी बालक था, हैदर अली ने उसको कारागार में डाल दिया और खुद मैसूर का सुल्तान बन गया। हैदर अली ने और टीपू सुल्तान ने वहाँ हजारों हिंदुओं को तलवार के बल से इस्लाम स्वीकार कराया। आखिर क्यों होता, जब नीति का पता नहीं था, जब कोई व्यक्ति किसी समाज के प्रति, वहाँ के राज्य के प्रति समर्पित नहीं है, उसको प्रधानमंत्री बनाना तो सबसे बड़ी मूर्खता कही जाएगी। इसलिए शिक्षा न होने के कारण हिंदू राजा नीति से वंचित रहे और अपना राज्य खोते रहे। आप देखेंगे कि राजा भाव सिंह का राज्य इतना बड़ा था कि महाराष्ट्र लेकर राजस्थान तक फैला हुआ था। इतना होने पर भी वही घटना घटित होती है, फतेह मोहम्मद उसका 4th सदस्य था और भाव सिंह का प्रधानमंत्री था।
उसने जहान मोहम्मद से कहा कि ये बताओ, तुम तीनों ने तो हस्ताक्षर कर दिया है कि यही आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज्जमा हैं, जमाने के खवंद हैं, कुरान के बातिनी भेदों को जानने वाले हैं, इनकी पहचान बताओ, मैं 40 हदीसें लिख कर के दे देता हूँ और उसके भेद यदि ये कर देंगे तो मैं मान जाऊँगा कि आखरुल इमाम मोहम्मद महदी हैं। जान मोहम्मद को 40 हदीसें लेकर के लिख करके दे देते हैं, फतेह मोहम्मद के द्वारा लिखी जाती है, जान मोहम्मद लेकर के श्री जी के पास आता है। श्री जी से कहता है कि धामधनी, ये इन 40 हदीसों का उत्तर फतेह मोहम्मद ने मांगा है। श्री जी कहते हैं कि मैं क्यों करूं, तुम इतने दिन से चर्चा सुन रहे हो, तुम उत्तर क्यों नहीं दे सकते। कहा कि धामधनी, मेरे पास तारतम्य नहीं है। उसने तारतम्य की इच्छा की, अब तक तो इतने महीने से चर्चा सुन रहा था लेकिन ज्ञान में ही डूबा रहा, तारतम्य की भावना उस जान मोहम्मद के अंदर नहीं आई थी, लेकिन तारतम्य जब पाया उसके अंदर जोश आता है, परवर दिगार अल्लाह ताला का उसको तारतम्य लेने के कुछ समय के पश्चात ही दर्शन हो जाता है, उसमें और अटूट प्रेम बढ़ जाता है कि सचमुच यही परवर दिगार अल्लाह ताला हैं, जो कुरान हदीसों में कहा गया था कि क़यामत के समय में तुम अल्लाह ताला का दीदार करोगे। पर्दा लिख्या वास्ते आवने हिंदू माए, वाणी में कहा गया है कि क़यामत के समय में इमाम मेहदी आएंगे तो पर्दा उनके मुंह पर होगा। पर मुसलमान सोचते हैं कि इमाम मेहदी जब आएंगे तो पर्दा चेहरे को पर्दा लगा कर आएंगे, चेहरे को ढक कर आएंगे। वो चेहरा क्या है? वो मुस्लिम का चेहरा नहीं होगा, हिंदू का चेहरा होगा, और हिंदू तन में आए हुए मुसलमान उनसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि क़यामत के निशान में एक यह भी है कि उस समय सूरज तो उगा होगा लेकिन उसमें उजाला नहीं होगा, मुसलमानों के लिए वो अंधेरा होगा, यानी मुसलमान कट्टर शरीयत पर ही चलते रहेंगे, उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाएंगे। अब जहान मोहम्मद 40 हदीसों का उत्तर जब दे देता है तो पूछता है कि बताओ और कोई संशय है? फतेह मोहम्मद कहता है कि एक और बात का उत्तर दो कि क्या अल्लाह ताला की सूरत है? जान मोहम्मद कुरान के 15वें पारे की आयत को उद्धृत करके सुनाता है कि रुए तरवी फी लैलतुल मेराज, इस आयत का अर्थ होता है कि मैंने मेराज की रात्रि में अल्लाह ताला का दर्शन किया, मेरे और अल्लाह ताला के बीच में दो गोसे कमान यानी धनुष के दो कोनों के बीच की जितनी जगह होती है बस उतनी दूरी रह गई थी। बताओ क्या कुरान की आयत है कि नहीं? रुवे तरवी फी लैलतुल मेराज, यानी मेराज दर्शन की रात्रि में मैंने अल्लाह ताला का दीदार किया है, अपनी आत्मा की आंखों से देखा है। कहता है कि ये तो बात बिल्कुल सच है लेकिन मैं विवश हूँ, जब तक औरंगजेब बादशाह ईमान न लाए मैं एक हिंदू वैरागी को आखरुल इमाम महदी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। कहा कि तुम्हारा ईमान अल्लाह ताला पर नहीं, कुरान पर नहीं, तुम्हारा ईमान औरंगजेब पर है। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के पश्चात जहान मोहम्मद अब श्री जी के पास आ जाता है। इधर घटना क्या घटती है, जब तीनों ने हस्ताक्षर करके दे दिया था और जहाँ फतेह मोहम्मद ने भी मान तो लिया लेकिन हस्ताक्षर करके नहीं दिया, भाव सिंह ने कहा कि धामधनी, अब मैं मान गया हूँ, आप ही हिंदुओं के पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद हो और मुसलमानों के आखरुल इमाम मोहम्मद महदी हो, लेकिन एक कृपा कर दीजिए, आप मुझे कुछ दर्शन करा दीजिए तो मैं औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हूँ, या तो औरंगजेब कि गर्दन आपके चरणों में होगी या उसको पकड़ करके मैं लाऊंगा। श्री जी ने बहुत मना किया कि देखो दर्शन की अभी तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं है, समय आने पर हो जाएगा। कहे कि नहीं, आप स्वयं अक्षरातीत हैं, आप चाहेंगे तो क्यों नहीं हो पाएगा। श्री जी ने कहा कि अच्छा जब तुम नहीं मानते हो तो देखो, परम धाम तो नहीं दिखाया, योग माया की हल्की सी झलक दिखाया, उसको देखकर वो पागल हो गया, पागल नहीं हुआ, उसको देखकर उसका शरीर छूट गया। शरीर क्यों छूटा? जिस व्यक्ति ने
कभी 100 रुपये का नोट नहीं देखा हो, उसको 2-2 हज़ार के नोटों के बंडल के एक बहुत बड़े हाल में रख दीजिए जिसमें कई अरब नोट हों, तो क्या होगा? उसको तो पागल ही हो जाना है। कह दिया जाए कि ये सारे नोटों के मालिक तुम हो, तो सोचेगा कि मैं खर्च कैसे करूं। एक कवि ने कहा है, कनक कनकते 100 गुनी माँ दखता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक कहते हैं धतूरे को और कनक कहते हैं सोने को, यानी धतूरे से भी ज़्यादा नशा जो है सोने में होता है। धतूरे को तो खाने पर आदमी पागल होता है, सोना भी जब ज़्यादा मिल जाता है तो भी मनुष्य पागल हो जाता है। या खाए बौराए जग या पाए बौराए, सोना भी मिल जाए ज़्यादा तो आदमी पागल हो जाता है। जो जीव विषय विकारों में लिप्त रहा है, एक राजा बैठे बैठे अचानक कैसे दर्शन कर सकता है? राजा का जीवन राजसी होता है, भोग विलास में डूबा होता है। हाँ, यदि कुछ दिन और प्रतीक्षा करता भाव सिंह, तो निश्चित है कि उसको दर्शन हो जाते, शरीर भी नहीं छूटता। शरीर छूटने का कारण क्या है? जब जीव महाराज का दृश्य देखा तो सोचा कि इतना आनंद है, इतना प्रेम है, अब मैं क्यों झूठी दुनिया में जाऊं? उसने जीव ने सोचा कि नहीं, अब मुझे यही रहना है। बस यही कारण है शरीर को छूटने का। लेकिन आप ये मत सोचिए कि चितवनी करने पर शरीर छूट जाएगा। चितवनी करने पर आज तक कभी किसी का शरीर नहीं छूटा है। हाँ, दर्शन होने से पहले जो सच्चे हृदय से चितवनी करना चाहते हैं करते हैं, उनके अंदर के विकारों को धोया जाएगा। वो समय से पहले चाहते हैं तो उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है। राज जी उनको निर्मल बनाकर उस योग्य बनाते हैं कि जब दर्शन हो तो जीव शरीर में बना रहे, नहीं तो अचानक किसी को परम धाम दिखा दीजिए, उसके अंदर क्रोध लोभ मोह अहंकार का विकार भरा पड़ा है, कैसे उसको सहन करना कर लेगा? हाँ, इसलिए विरह और प्रेम की अग्नि से उसको निर्मल किया जाता है। पिब के विरह निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। जब हृदय में विरह फूटता है तो राज्य का प्रेम आता है, और उस प्रेम में जब दर्शन होगा तो शरीर नहीं छूटेगा। भाव सिंह को अभी विरह तो आया नहीं था, हाँ भक्ति भाव था, भक्ति में नाचने तो लगते थे लेकिन विरह में कभी डूबे नहीं थे, इसलिए निर्मलता नहीं आई थी और शरीर छूट गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। भाव सिंह के शरीर छूटते ही फतेह मोहम्मद ने कब्जा कर लिया, राजा बन बैठा, स्वयं बादशाह बन गया और अपनी सेना को आदेश दिया कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, जितने वैरागी हिंदू हैं सबको पकड़ कर कैदखाने में डाल दो। अब देखिए, ये राजा भाव सिंह ने यदि अपना प्रधानमंत्री किसी मुस्लिम को नहीं बनाया होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ा होता। किसी भी राष्ट्र में समाज में सबका बराबर का योगदान होता है, और राजा को जाति के नाम पर प्रांत के नाम पर किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए, ये राजधर्म भी कहता है। लेकिन राजधर्म भी ये कहता है कि उसकी विश्वसनीयता परखनी चाहिए कि हाँ वो व्यक्ति देश के लिए घातक हो सकता है या समाज के लिए धर्म के लिए कहीं घातक तो नहीं है। आप विदेश में जन्मे किसी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए, राष्ट्रपति बना दीजिए, तो परिणाम क्या होगा? पाकिस्तान में जन्मा व्यक्ति यदि इस देश में आकर रहने लगे और किसी तरह से बहुमत जुटा करके आप भावुक होकर के प्रधानमंत्री बना देंगे तो कुछ भी कर सकता है। जो यहाँ की जड़ों से नहीं जुड़ा हुआ है वो इस देश के लिए घातक हो सकता है। इस नीति को न समझने के कारण भाव सिंह धोखा खा गए, और भाव सिंह नहीं कितने राजा इस देश के धोखा खाते रहे और परिणाम अपना राज्य गंवाते रहे, जैसे मैसूर के राजा ने अपना राज्य गंवाया था। अब श्री जी ने आदेश दिया कि जितने सुंदर साथ हैं सब अलग अलग बट जाएं, कोई एक जगह इकट्ठा नहीं रहेगा। आपने देखा उदयपुर में भी औरंगजेब की सेना पीछा कर रही है, मंदसौर में है वहाँ भी सेना पीछा कर रही है, अब औरंगाबाद में है वहाँ भी सेना पीछा कर रही है, इसके बाद रामनगर जाएंगे वहाँ भी औरंगजेब की सेना आएगी, जहाँ भी प्राणनाथ जी जाएंगे मुगल सेना उनका पीछा कर रही है। क्यों? क्योंकि वो सारे देश से के राजाओं को जगा रहे हैं,
कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए तुम उठो, जागरूक हो। औरंगजेब ये कहाँ से सहन कर सकता था? आज अपने घरों में आप बैठे हैं, आपको परमधाम की ब्रह्मवाणी मिल रही है, लेकिन किसी को इस की गरिमा का एहसास नहीं है कि किन किन परिस्थितियों में श्री जी के साथ रहने वाले 5000 की संख्या में सुंदर साथ हैं, कहीं भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कैसे कैसे ज्ञान की ज्योति जल रही है, जागने की यात्रा कैसे चल रही है। आज तो आप कहीं प्रचार करने जाएंगे, फ्लाइट में चले जाएंगे, एसी डब्बे में बैठकर जाएंगे, उस समय तो पैदल चलना होता था, श्री जी स्वयं पैदल चल रहे हैं, सुंदर साथ भिक्षा मांग करके लाते हैं और भोजन कराते हैं, आप सोचिए। और मुगल सेना पीछा अलग कर रही होती है। जब सब सुंदर साथ अलग अलग बट जाए तो मुगल सेना उनको खोजने लगी। भवानी भट्ट एक बार पकड़ में आ गए थे, लेकिन जैसे ही उनको अवसर मिला चकमा देकर के वो भाग छूटे। श्री जी ने क्या किया, स्वयं चले गए फतेह अल्लाह के घर के पास। फतेह मोहम्मद के का एक साथी था, जो वो भी मंत्री था वहाँ का, उसके घर के पास एक मुल्ला के मकान में श्री जी और लालदास जी बैठ गए और कुरान की टीका करवाने लगे। जहान मोहम्मद खोजता खोजता आया, कहा कि धामधनी आप भी अजीब हैं, आपको मालूम नहीं कि फतेह उल्लाह का मोहल्ला है? किसी को भनक लग गई कि आप यहाँ हैं तो ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अब रात होने वाली है, यहाँ से सब सुंदर साथ के साथ आप चलिए, क्योंकि चप्पे चप्पे पर मुगल से फतेह मोहम्मद ने अपनी सेना को तैनात कर रखा है कि सब सुंदर साथ को गिरफ्तार करके कैदखाने में डाल देना है। जहान मोहम्मद ने दबाव दिया। माया के संसार में आने के पश्चात आप देखिए, जिनके सतंग के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं, वह आवेश स्वरूप भी जिस तन में लीला कर रहा है, उस तन को भी यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार रहना पड़ रहा है। वो चाहते तो चमत्कारिक लीलाओं को करके सबको प्रभावित कर सकते थे, लेकिन ऐसा करेंगे तो समाज में भटकाव हो जाएगा। सारे कष्ट सहना है, लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है। अब जो साथ में थे सुंदर साथ, सब रात को ही प्रस्थान कर देते हैं और सवेरा होते होते 7 कोस तक चले गए औरंगाबाद से, और चल करके आकोट पहुंच जाते हैं। वहां से श्री जी ने मलुक चंद के हाथ से फतेह मोहम्मद के पास और काजी हिदायतुल्लाह के पास कुरान के सवाल लिखवा करके भिजवाए कि तुम कुरान के नाम पर जो अत्याचार कर रहे हो, सत्य को तुम ग्रहण कर नहीं करना चाह रहे हो, तुमने कुरान से क्या समझा है? इसके पश्चात सुंदर साथ में भ्रम फैल जाता है। सुंदर साथ में दो चीज़ें फैल गई कि या तो हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है, या ये प्राण राज्य अक्षरातीत नहीं है, धाम धनी नहीं है। इनके पास यदि शक्ति होती तो औरंगजेब जाग सकता था। उदयपुर में हमें बैरागी भेष धारण कर लेना पड़ा, वहाँ भी मुगल सेना ने हम कष्ट दिया। मंदसौर में गए तो हमें कई महीने भिक्षा मांग कर गुजारा करना पड़ा। यहाँ औरंगाबाद में आए हैं तो यहाँ भी मुगल सेना के घेरे से बचने के लिए हमको छिप करके रहना पड़ा। लगता है कि प्राण राज्य में कोई शक्ति नहीं है। श्री जी ने सब सुंदर साथ को इकट्ठा किया और कहा कि देखो, तुम ये सोचो तुम कौन हो। पहली बात तो ये है कि सारे ग्रंथों को पढ़ लो, सारी दुनिया वेद कतेब को पढ़ती रही है, तुम सवेरे सवेरे उठकर याद करते हो श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भये, तहाँ कंचन रंग को सिंहासन, इनके 6 पाए 6 डाड़े, एक एक डाड़े में 10-10 रंग जवेरों के झलकत हैं, ये बताओ तुमको किसने बता दिया? क्या यह श्रृंगार 4 वेदों में लिखा हुआ है, 6 शास्त्रों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है? जो बात अक्षर ब्रह्म को पता नहीं कि श्यामा जी का श्रृंगार क्या है, तो नारायण को कैसे पता चलती?
जो नारायण को पता नहीं है वो ऋषियों को कैसे पता चल सकती, जो ऋषियों को नहीं पता है तो शास्त्रों में कैसे आती, और तुमने कैसे पता कर लिया कि मूल मिलावे में 64 थम्भ है, हद बेहद से परे परम धाम है, यमुना जी हैं, यमुना जी के आगे चांदनी चौक है, रंग महल में 100 सीढ़ियाँ आई हैं, 28 थम्भ का चौक है, 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं हवेली मूल मिलावा है, उसमें युगल स्वरूप सिंहासन पर बैठे हैं जिसके 6 पाए 6 डाणे हैं, तुम प्रतिदिन ध्यान करते हो, ये ज्ञान तुमको किसने बता दिया। और जब अक्षरातीत ब्रज में आए तो ये तो तुमने नहीं देखा कि अघासुर से बकासुर से बड़े बड़े राक्षसों से किसने तुम्हारी रक्षा की। जो गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पर उठाकर जाहिरी लीला के रूप में किसने रक्षा की, उसमें तो सब कुछ नष्ट हो जाना था। इंद्र के कोप से किसने तुम्हारी रक्षा की, हर संकट में किसने रक्षा की, रास में ले जाकर किसने तुमको परमधाम की प्रेममयी लीला का आनंद दिया था। उसके पश्चात तीसरे दिन की लीला में जब अक्षर की आत्मा अरम में आती है तो वहाँ 72 माज्य यानी चमत्कार की लीला दिखाई दी। जब चौथे दिन का खेल प्रारंभ होता है तो चौथे दिन की लीला में सतगुरु धनसिदेव चंद जी के तन से तरह तरह की चमत्कारिक लीलाएँ हुई। तुम सुंदर साथ नहीं तो इच्छा की थी कि सतगुरु महाराज हमको यमुना जी दिखाइए, अंगुली दीवार पर कर दी तो यमुना जी का जल बहने लगा, तुमने पीने की इच्छा की, तुमने स्नान किया, सभी तरह की लीलाएं करके तुमने आनंद लिया और सतगुरु महाराज ने अपनी आड़िका लीला के माध्यम से सब सुंदर साथ को अखंड ब्रज अखंड रास का दर्शन कराया था इन नैनों से, जो इस दुनिया के किसी भी ऋषि मुनि देवी देवता को नहीं हो पाया। आखिर तुम कौन? जब राज जी 5वें दिन की लीला में बैठे हैं तो ये बताइए, एक मंदसौर कोई बड़ा नगर नहीं है, छोटा नगर है, और सारी सेना लग जाए और एक भी सुंदर साथ पकड़ा ना जाए, एक दो महीने नहीं लगभग 8 महीने तक सारी सेना खोजती रहे और कोई सुंदर साथ पकड़ में ना आए, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। उदयपुर में जब थे तो वहाँ से कौन है जो तुमको बचा कर लेकर आए। जिस औरंगजेब के दरबार में पहुँच गुरु तेग बहादुर को अपना शीश कलम करवाना पड़ा, पहुँच जाने के बाद शीशगंज जो गुरुद्वारा है वहाँ गुरु तेग बहादुर का शीश कलम किया गया। भाई मत्ती दास को आरे से चिरवाया गया और सत्ती दास को गरम तेल के खोलते हुए कड़ाह में डाल दिया गया। वो जपू जी का जप करते हुए अपने प्राण छोड़ दिए लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किए। अपने अपने धर्म पर समर्पित सब लोगों ने अपने प्राण छोड़े और तुम तो औरंगजेब के दरबार में जाकर औरंगजेब को कठोर शब्दों में फटकार लगाने जैसी भाषा बोल करके चले आए। औरंगजेब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। और यहाँ भी औरंगाबाद में भी फतेह मोहम्मद सारी सेना लेकर तुमको खोजता रहा, तुमको कोई पकड़ नहीं पाया। जब ईमान के लिए औरंगजेब चला तो दज्जाल ने उसको भी बहका दिया। परिणाम क्या हुआ? औरंगजेब बादशाह ईमान पर नहीं चल पाया क्योंकि दज्जाल ने, दज्जाल क्या है? अज्ञानता। मनुष्य में अज्ञानता क्यों होती है? हर व्यक्ति अपना, कोई भी व्यक्ति अपना बुरा नहीं चाहता है। रज और तम के प्रभाव से मनुष्य के अंदर अज्ञानता का अंधकार छा जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? अज्ञान। कोई मांस खाता है, शराब पीता है, बुरे कर्म करता है, क्यों? कि उसके अंदर अज्ञानता है। जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, जो अपने स्वरूप को जान जाएगा, वो कभी भी पाप नहीं करेगा। पाप तो तब तक होते हैं, हम बुरे कर्म तब तक करते हैं जब तक हमारे अंदर अज्ञानता होती है। आपके मन में एक संशय होगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्यों पाप करते हैं। इसको एक दृष्टांत से आपको समझाता हूँ। द्रोणाचार्य जी सभी राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे और कहते थे कि देखो सत्य बोलना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है। सब सुन करके याद आते हैं, सब सुना देते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि और तुम्हें याद करना है, क्रोध करना पाप है, क्रोध करना पाप है। सबने सुना दिया। युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव अभी मुझे याद नहीं हुआ कि क्रोध करना पाप है।
पहले दिन मना कर दिया, दूसरे दिन मना कर दिया, जब तीसरे दिन भी मना कर दिया कि क्रोध करना पाप है, मुझसे याद नहीं हो रहा है, तो द्रोणाचार्य ने कस करके एक चांटा लगा दिया कि तुम पांडवों में सबसे बड़े हो, एक छोटा वाक्य तुमसे याद नहीं हो रहा है। जब चांटा लगा युधिष्ठिर के गाल पर तो युधिष्ठिर को मुस्कुराहट हो गई, कहा कि गुरुदेव अब याद हो गया, मैं देख रहा हूँ कि चांटा खाने के बाद क्रोध आता है कि नहीं। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को गले लगा लिया कि बस तू सच्चा विद्यार्थी है, तुमने आचरण में उस ज्ञान को उतारा है। जो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पाप करते हैं, उन्होंने ज्ञान को आचरण में नहीं उतारा होता है, केवल गले में धारण किया होता है। जो शराब पिएगा वो भी भाषण खूब देगा कि शराब पी बहुत गलत बात है, दिन में 100 झूठ खूब बोलेगा, लेकिन दूसरों को उपदेश देगा कि झूठ बोलना पाप है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन जो ज्ञान को आचरण में उतारता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री जी ने सब सुंदर साथ को समझाया कि देखो तुम्हारे ऊपर राज्य की पल पल मेहर कैसी रही है, जाको दिल बिन जाको दिल जिन भांत सो तासो मिल मिले तिन बित, अंदर मेहर जाहिर कहर ए महामत की सिद्ध। प्राणनाथ जी का स्वरूप क्या है आप देखते हैं, जय राम कंसारा के यहाँ जाते हैं कड़ी फटकार लगाते हैं, हरबंश जी वृंदावन को भी कड़ी फटकार लगाते हैं, जयराम कंसारा को तो कुत्ता कह दिया था चचोड़ा ठौर मुदार। तो मिहराज के बाह्य व्यक्तित्व को देखने पर कैसा लगता होगा कि श्री जी कितने कठोर हैं, लेकिन श्री मिहराज के धाम हृदय में प्रेम का आनंद का शांति का जो सागर बह रहा है उसको किसने पहचाना, लालदास जी ने पहचाना, भीम भाई ने पहचाना। जिन सुंदर साथ ने प्रत्यक्ष नैनों से दर्शन किया उन्होंने पहचाना कि स्तन में स्वयं अक्षरादित्य तिलक कर रहे हैं। जहान मोहम्मद पहचानता है, महाराजा छत्रसाल जी पहचानते हैं, तभी उन्होंने कहा था कि सात समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा है, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो हम चिन्ह तुम्हें बनाए। श्री ठकुरानी जी संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातवर। आपको अक्षरातीत के सिवा किसी अन्य रूप में कोई देखता है तो परमधाम की ब्रह्मात्मा ही नहीं है। छत्रसाल जी ने भरी सभा के बीच में कहा था कि मेरे घर कौन आए हैं, जिनको शिव संकादिक ने खोजा था, जिनको वेदों ने खोजा था, लेकिन अगम जानकर निगम कहा है खोज खोज पचिहारे, और वही अक्षरातीत जान के मूलधनी अंगना अपने सुघर आए हमारे। मुझ आत्मा को जागृत करने के लिए स्वयं अक्षरातीत मेरे घर पधारे। छत्रसाल जी ने उस स्वरूप से आनंद लिया तो छत्रसाल जी को पता चला कि हाँ ये स्वरूप कौन है। जब सब सुंदर साथ ने ये सारा प्रसंग सुना कि किस तरह से जाहिरी और बातिनी, एक तो प्रत्यक्ष मेहर जो दिखती है, सुंदर साथ को अचानक 1 करोड़ रुपये का लाभ हो जाएगा तो क्या कहते फिरेंगे, देखिए राज्य की कितनी मेहर है, मुझे 1 करोड़ मिल गया, 1 करोड़ मिल तो गया, आपके पास कितने दिन रहेगा और लेकर क्या करेंगे, ये कोई मेहर नहीं है। 1 करोड़ का लाभ होना कोई मेहर नहीं है। आप राष्ट्रपति के पास जाइए और कहिए कि राष्ट्रपति महोदय 1 कप चाय पीने की इच्छा कर रही है, आप पिला देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राष्ट्रपति भी हंसेंगे, कहीं सोचेंगे पागलखाने से कोई भाग करके कोई पागल आ गया है मेरे पास, जो मेरे से मिलने के बाद 1 कप चाय मांग रहा है। वैसे भी राज्य के लिए 1 करोड़ की कृपा कर देना 1 कप चाय से भी छोटी चीज है। आप किससे 1 करोड़ मांग रहे हैं, सर्वशक्तिमान अक्षरातीत से, जो सत अंग के द्वारा एक पल में करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाता है उल्लेख करता है, जिसका सत अंग कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे खिन के देख में पल में उड़ावे, उस अक्षरातीत के चरणों में जाकर आप राज्य से 1 करोड़ रुपया मांगते हैं, 2 करोड़ मांगते हैं, माया की प्रतिष्ठा मांगते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। राज्य से मांगना है तो राज्य को अपने दिल में बसाइए कि राज्य मेरे दिल में बस जाइए, अपने 8 सागरों का सुख मेरी आत्मा में उड़ेल दीजिए। राज्य के प्रेम में इतने डूबिए कि लगी वाली कचोर न देखे, पिंड ब्रह्मांड व कुहरी नहीं हो जाए, संसार नजर न आए, तब तो उसको प्रेम कहेंगे। माया का मिलना कोई मेहर नहीं है। मैंने
सारा प्रयास कर लिया, मुझे आज तक मेहर सागर पूरा याद नहीं हो पाया। क्यों? कई बार मैं सोचता हूँ कि भाई मेरा क्या होगा, सबको मैं देखता हूँ, पूरे देश में चले जाइए, हर कोई मेहर सागर जबानी बोल देते हैं। मैं सोचता हूँ कि राज्य से मैं क्या मांगूँ, मैंने कभी राज्य से कुछ अपने लिए मांगा ही नहीं है। मेहर सागर का अर्थ क्या होता है? अक्षरातीत के हृदय में जो उमड़ने वाले आठों सागर हैं, नूर का सागर। अक्षरातीत के नूरी शोभा आपके हृदय में जगमगाती रहे, नीर सागर रूहों की शोभा, आपको अपनी परात्म दिखे। क्षीर सागर वहदत एकत्व का सागर, राज्य के परम धाम के एकत्व वहदत का सुख आपको मिलते रहे। दधि सागर युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर, आपके हृदय में जब आप आंखें बंद करें युगल स्वरूप बैठे भी नजर आए। घृत सागर इश्क का सागर, आपके हृदय में इश्क का पूर बहा करे, जैसे लगता है कि राज्य ने अपने हृदय का सागर प्रेम का आपके हृदय में उड़ेल दिया है। इल्म का सागर दधि सागर यानी मधु सागर, वाणी के गुह्य भेद आपको प्राप्त हो जाए। सातवां सागर निस्बत का सागर, आप आंखें बंद करें सोते जागते उठते बैठते हर पल आपको एहसास हो कि हर क्षण हमारे साथ राज्य हैं। हर कोई हमारा साथ छोड़ सकता है, पत्नी छोड़ सकती है, पति छोड़ सकता है, बेटे बेटियां साथ छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे प्राण की नली से भी निकट है, हमारे दिल में बसता हुआ हमारा प्राण घन है, प्राण प्रीतम है, प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, हमारा आराध्य है, मेरा सर्वस्व है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यह है निस्बत के सागर का एहसास। और जब इन सातों सागरों का रस आपके हृदय में मिलने लगे तो समझिए कि हमारे अंदर मेहर का सागर बह रहा है, अब राज्य की पूरी कृपा हो रही है। कई बार जाहिरी मेहर से ही पहचान होती है, जो चितवनी करते हैं वाणी की गहराइयों में डूबे हैं कि उनको बातिनी मेहर की पहचान होती है। जिन सुंदर साथ को वाणी का ज्ञान नहीं है, राज्य के प्रेम विरह में नहीं डूबे हैं, वो जाहिरी मेहर से पहचान होती है। जैसे अभी कई बार देखने को हो जाता है, अपने सुंदर साथ के साथ घटित होता है, जब ज्ञानपीठ की प्रारंभिक अवस्था थी, अपने ट्रस्ट के सदस्यों की गाड़ी आ रही थी, सामने सीधे ट्रक से टक्कर होती है, ट्रक तो पलट गया, अपने सुंदर साथ को कोई चोट नहीं लगी। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? किसी ने कहीं सुना है ट्रक और कार की टक्कर में तो कार टुकड़े टुकड़े हो जाती है, कार बच जाए और ट्रक पलट जाए, ये बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें प्रत्यक्ष मौत थी, राज्य ने कितनी कृपा करके बचाया है। लेकिन होता यही है, दो चार दिनों तक तो उस कृपा को हम याद रखते हैं फिर भुला देते हैं। माया ऐसी लगती है कि यही तो सब कुछ है, यही हमारे रिश्ते नाते जैसे कदीम से हैं और यही हमारे साथ रहेंगे। हमारी कोठी, हमारे बंगले, हमारी गाड़ियाँ, हमारे रिश्ते नाते कुछ दिनों के लिए हैं, पानी का बुलबुले जैसे, पानी का बुलबुला थोड़ी समय के लिए चमकता है, वैसे ही हमारे संसार के सारे संबंध हैं, हमारी धन संपदा, हमारा झूठा ये शरीर। आप देखें इस सभा में कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ जवान बैठे हैं, कुछ बूढ़े लोग बैठे हैं। जो आज बूढ़े हैं, कभी वो भी जवान थे, छोटे बच्चे थे, खेलते कूदते थे, वो भी पिता बने, अब अधेड़ावस्था आ गई है, कुछ अधेड़ावस्था से वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, शरीर बदलता जा रहा है, एक नहीं बदलता हमारा जीव, जीव के ऊपर जो हमारी आत्मा बैठी है उसका स्वरूप नहीं बदलता। लेकिन कोई आत्मा के स्वरूप को नहीं देख रहा है, हर कोई अपने शरीर को देखकर सोचता है कि मैं शरीर हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं बालक हूँ, ये तो शरीर है। जो ये सूरज दिख रहा है ये भी बदल रहा है, चंद्रमा बदल रही है, धरती बदल रही है, हर वस्तु परिवर्तनशील है। परिवर्तन से रहित है तो आपकी चेतन आत्मा, और उस आत्मा में आपका जो प्रीतम बसता है वही आपका सर्वस्व है, आपका प्राणाधार है। जब सुंदर साथ को परम धाम के ज्ञान की अलौकिक चर्चा मिली, सब सुंदर साथ ने रो रो कर प्रायश्चित किया कि धाम धनी, हमने आपके स्वरूप को पहचान लिया है। श्री जी ने सावचेत किया कि देखो माया हर कदम पर तुम्हें रुकने के लिए तैयार बैठी है। जिसको हम हिंदू धर्म ग्रंथों में माया कहते हैं, कतेब की परंपरा में उसको दज्जाल कहते हैं, शैतान कहते हैं।
मुसलमान जब भी नमाज पढ़ते हैं तो दोनों तरफ देखते हैं कि शैतान कहीं आ तो नहीं गया, शैतान कहीं बैठा नहीं होता है, शैतान तो मन में बैठा होता है। यदि आप भैंसे का मांस खाएंगे, पशुओं को तड़पा तड़पा कर रेत रेत कर काट कर खाओगे तो दज्जाल तो आपके अंदर बैठेगा। अपने आहार को सात्विक कीजिए। नमाज का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना, बंदगी परमात्मा की। कबीर जी ने कहा है, दिन को रोजा रहत है रात हनत है गाय। दिन को तो कुछ नहीं खाते हैं, रात को गाय की हत्या करके उसका मांस खाते हो और कहते हो कि हम अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। ये कौन सी बंदगी है? जब तक अपनी तृष्णाओं को, अपने इंद्रियों के विकारों को समाप्त नहीं करेंगे, सात्विक आहार नहीं करेंगे, मन में अल्लाह ताला का प्रेम नहीं आएगा, तो पांच बार दंड बैठक लगा लेने से थोड़े अल्लाह ताला का दीदार हो जाएगा। तभी तो शाह कलंदर ने कहा था, न रख रोजा न मर भूखा, न सीजदा कर तो मस्जिद में, किताबें फेंक तस्वीर तोड़, लगाकर इश्क के झाड़ू हिर से दिल को छपा सफा कर। अपने दिल में हिरस हवा की लहरें घूम रही हैं, तृष्णाओं को आपने खुली छूट दे रखी है और चाहते हैं कि परमात्मा का दर्शन हो जाए, कैसे संभव है? अब श्री जी ने कहा कि देखो, चार चीज़ें प्रमुख रूप से माया के हथियार हैं। एक तो बेईमान औरत। बेईमान औरत आप देख रहे हैं, क्लबों में चले जाइए, कितने कितने गंदे गंदे दृश्य नृत्य हो रहे हैं। आप पिक्चरें देखिए, पिक्चरों में कितने गंदे दृश्य होते हैं। नारी भोग की वस्तु नहीं थी, नारी को भोग की वस्तु बनाया गया। और नारी भी यदि त्याग से रहित हो जाए, ज्ञान भक्ति से रहित हो जाए, तो नरक भी बना सकती है। स्वर्ग बनाना भी नारी के हाथ में है, नरक बनाना भी नारी के हाथ में है। यदि नारी में ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, तो परिवार को, सारे समाज को वो स्वर्ग बना देगी। नारी यदि विलासिनी हो गई, भोग्या हो गई, तो नरक बनाने में, विनाश बनाने में देर नहीं लगती। इसलिए राष्ट्र निर्माता कौन है? नारी। शिवाजी को जन्म दिया किसने? नारी ने। शिवाजी को तैयार किया, महाराणा प्रताप को तैयार किया उनकी दिव्य माताओं ने। जीजाबाई जैसी मां थी, तभी शिवाजी का व्यक्तित्व निर्माण हो सका। जो माताएं अपने तप त्याग का संस्कार बच्चों में भरती हैं, निश्चित है कि वो बच्चा महान बनेगा। लेकिन नारी में केवल भोग की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी तो उसका बच्चा भी क्या बनेगा? शैतान बनेगा। जो माँ मांस खाएगी, शराब पिएगी, झूठ बोलेगी, दिन भर चुगली करती रहेगी, झगड़ा करेगी, तो उसकी संतान भी उन्हीं दोषों को ग्रहण करेगी। और जो माँ गर्भ के समय में भी परमात्मा के ध्यान में डूबे रहेगी, कभी झूठ नहीं बोलेगी, सात्विक आहार करेगी, तो निश्चित है कि उसकी संतान महान बनेगी, या तो वीर बनेगी, या परमहंस बनेगी, या महान विद्वान बनेगी। इसलिए पहली माया का पहला स्वरूप क्या है? एक बेईमान औरत। दूजे बाजे बजावन हार। पहले तो लोगों के पास टीवी नहीं था, तो लोग कथा सत्संग में चले जाया करते थे। अब तो घर घर जो है टीवी है, लोग बूढ़े बूढ़े लोग भी रात के 10 बजे तक पिक्चरें देख लेते हैं, लेकिन उनके पास धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं, चितवनी के लिए समय नहीं, सत्संग में बैठने का समय नहीं। सबको पूछिए, बच्चों को, माताओं को, बहनों को, तो सब सीरियल वालों का नाम बता देंगे, कौन कौन से सीरियल आते हैं। बच्चों की सबसे रुचि किस में होती है? कार्टून में। बच्चों को भोजन न दीजिए तो चल जाएगा, कार्टून मिलना चाहिए। ये क्या है? मनोरंजन के साधन। पढ़ने वाले इलम को जादूगर होशियार। तीसरा क्या है? पढ़ने वाले इलम को। किसी को बचपन से ही साइंस पढ़ा दीजिए, धर्म की कोई शिक्षा न मिले तो कहता है कि किसने देखा है परमात्मा को? परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। उसने सत्य को नहीं पढ़ा, अधूरा ज्ञान ग्रहण किया तो परमात्मा का खंडन करने बैठ जाता है। और चौथा है जादूगर होशियार, जो तरह तरह की चमत्कारिक क्रियाओं द्वारा सबको लुभाते रहते हैं। आपने देखा है ना, टीवी पर आते हैं निर्मल बाबा, सारे देश को उस व्यक्ति ने कितना बुद्धू बना रखा है। जो व्यक्ति यह कहे आप पकौड़े खा लो तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा? फिर भी हजारों की संख्या में लोग उनके दीवाने, बुकिंग करानी पड़ती है।
आप अपना भविष्य खुद नहीं बना सकते, और एक व्यक्ति जिसने कभी धर्म ग्रंथ कुछ नहीं पढ़ा हो, निर्मल बाबा ने जीवन में न कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा, न कोई ध्यान साधना की, न ध्यान की अनुभूति है, वो व्यक्ति जहाँ तक मैंने सुना है वो ईंट भट्ठे का कारोबार करता था, बहुत गरीब आदमी था, धीरे धीरे ईंट भट्ठे का कारोबार करने लगा। अब उसने षड्यंत्र सीख लिया, टीवी पर आने लगे, निर्मल बाबा कहलाने लगे, दूसरे का भविष्य बताने लगे, और पूरी जनता पागल हो गई, निर्मल बाबा हमारे भविष्य को बताएंगे। आपका भविष्य तो आपके हाथों में है, आप अपने हृदय में बैठी हुई आत्मा से क्यों नहीं पूछते? आप शुद्ध हृदय से अपने हृदय में विराजमान परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तहकीक अर्ज पहुँचत है जो भेजिए पाक दिल। पवित्र हृदय से जो भावना करेंगे वो आपकी इच्छा पूरी करने वाला परमात्मा हर पल आपके साथ है। लेकिन उस परमात्मा पे लोगों को विश्वास नहीं, निर्मल बाबा पर विश्वास है। हिंदुओं के पतन का कारण क्या है? हिंदू समाज को कोई कह दे कि देखो ये गड्ढा है, सब लोग इस पर मिट्टी का एक एक ढेला भरोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, सब लोग भरना शुरू कर देंगे। एक बार बीरबल ने बीरबल से अकबर ने पूछा कि बीरबल बताओ हिंदू अगाधा किसको कहते हैं? बीरबल ने कहा कि बादशाह मैं कल करके दिखा दूंगा। चौराहे पर बैठ गया बीरबल, एक जूता रख करके पूजा करने लगा। सब लोगों ने पूछा कि बीरबल क्या कर रहे हो? कहा कि जब भगवान राम इधर से गुजरे थे तो उनका जूता छूट गया था, मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ। सारी भीड़ लग गई और उस जूते की पूजा करने लगी। अकबर गुजरा, पूछा कि बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल कहता है कि आपको आपने कल पूछा था ना, उसी का उत्तर मैं दे रहा हूँ। हिंदू समाज के पास विवेक नहीं है, मजारों पर सिर पटकेगा, खेत में ईंट के दो चबूतरे बना लेगा और उसमें दीपक जलाएगा, पूछेगा पूछा जाए क्या कर रहे हो, तो ये कुल देवता है, क्या तुम्हारा कुल देवता उस ईंट के चबूतरे में बैठा है? घर में तुम्हारे देवता रूप माता पिता है, उनको तो तुम दो रोटी खिलाने के लिए तैयार नहीं। मरने के बाद तुम श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, कितना हिंदू समाज में अंधविश्वास। श्राद्ध किसको कहते हैं? जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक श्रद्धापूर्वक सेवा करना श्राद्ध कहलाता है, और इतनी सेवा कीजिए कि तृप्त हो जाए उसको तर्पण कहते हैं। पितर किसको कहते हैं? पितृ शब्द से पिता पितर बनता है, पिता पितरों पितरा, पिता का अर्थ होता है पालन करने वाला, यानी हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे पितर हैं। जब तक वे जीवित हैं कुछ श्रद्धा भाव से, सच्ची श्रद्धा से उनकी सेवा कीजिए। जीवन भर माता पिता जीवित रहे गिलास पानी नहीं देते, मर जाने के बाद जमीन बेचकर पूरे गांव को खिलाएंगे कि हम श्राद्ध कर रहे हैं, कहाँ लिखा है? ये गरुड़ पुराण का आडंबर है जो मरने के बाद भोजन कराने का वर्णन करता है। उनको तो चाहिए, पौराणिकों को लूटा कैसे जाए? कहीं वेद के कर्मकांड में नहीं लिखा है कि मरने के बाद सारी बस्ती को आप भोजन कराओ? एक तो मरने का दुख, पुनः घर द्वार बेच करके सबको खिलाओ, मृतक भोज करना पाप है, कहीं भी नहीं लिखा है किसी ग्रंथ में। लेकिन आज पूरा हिंदू समाज देखिए, आप यहाँ पर हैं और 10 किलोमीटर दूर पर आग लग जाए तो यहाँ से बाल्टी से पानी फेंकेंगे तो क्या आग बुझेगी? कोई ये नहीं सोचता कि जो जीव शरीर छोड़ गया तो गया में जाकर के पिंड दान करने से, या बनारस में जाकर पिंड दान करने से, हरिद्वार में जाकर पिंड दान करने से क्या उसके पास पहुंच जाएगा? उस जीव ने तो उस तन को छोड़कर कोई दूसरा तन धारण कर लिया होगा। पर पुराणों में लिख दिया गया है कि गाय दान करते हैं तो बैतरणी नदी को पार करते हैं। बैतरणी नदी क्या है? बैतरणी नदी कहीं और नदी नहीं है, अज्ञान ही वैतरणी नदी है। गाय क्या? ब्रह्म विद्या रूपी गाय के सहारे आप अज्ञान रूपी वैतरणी नदी को पार कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी तीर्थ स्थान में जाकर गाय का दान आप भूल कर भी मत कीजिए।
क्योंकि बेचारे पंडित के पास कहाँ से इतना चारा आएगा, हर कोई एक एक दिन भी एक एक गाय देगा, एक महीने में उसके पास तो 30 गायें हो जाएंगी, 30 गायों को कहाँ रखेगा, कहाँ से खिलाएगा, वो तो कसाई खाने में ले जा करके बेच देगा। आपने तो सोचा कि हम गाय देकर पुण्य कर्म कमा रहे हैं, लेकिन आपके कारण वो गाय कसाई खाने में जाएगी, काटी जाएगी और उसका पाप आपको लगेगा। इसलिए गोदान करने से पहले सोचना चाहिए कि जिसको हम गोदान कर रहे हैं ये खिलाएगा पिलाएगा या कसाई खाने में भेज देगा। या हिंदुओं में जो श्राद्ध और तर्पण मरे हुए का चल रहा है ये उल्टी कहानी है, वेद शास्त्र की पूर्णतया के विपरीत है, ये नहीं होनी चाहिए। सुंदर साथ ने जब श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनी तो रो रो कर सबने अपनी भूल को स्वीकारा कि धाम धनी हमारे ऊपर माया का आवरण पड़ गया था, जिसने हमने हमारे ऊपर ये विवेक नष्ट कर दिया था, हम आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर सके थे। श्री जी कहते हैं, दिया कुलजम मैं तुमको, किया सबो गरक पढ़ो मेरे इलम को, तो भागे तुम्हारी सक। वाणी का नाम क्या है? कुलजम। इसका शुद्ध शब्द होता है कुलजुम। कुलजुम का अर्थ क्या होता है? गहरा या लाल। नील नदी बहुत गहरी है। उसी प्रकार इस वाणी में रहस्यमयी ज्ञान इतना गहरा है कि जो इसको आत्मसात कर लेगा वह धन धन हो जाएगा। दूसरा अर्थ है लाल। लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है, यानी कुलजम रूपी यह नदी, यह ब्रह्मवाणी प्रेम अक्षरातीत के हृदय से बहता हुआ रस है। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। इसलिए तारतम वाणी के कई नाम हैं। तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, एक नाम है तारतम वाणी। दूसरा है श्रीमुख वाणी धनिये कई। तीसरा नाम है कुलजम स्वरूप। कुलजम जो श्रीमुख वाणी का नाम या तारतम वाणी से तारतम सागर कहते हैं, वो तारतम सागर तो जय राम कंसारा के लिखी हुई बीतक का नाम है, जिनके आत्मा का नाम था करुणावती सखी। करुणावती सखी की लिखी हुई बीतक का नाम जो तारतम सागर है वो वाणी के नाम से कहा जा रहा है, ये उचित नहीं है। श्रीमुख वाणी को तारतम सागर नहीं कह सकते, तारतम वाणी कहिए। इसलिए सब सुंदर साथ ने अकोट में अपनी भूल को माना और पुनः ईमान पर खड़े हो गए। ईमान किसको कहते हैं? अटूट श्रद्धा के साथ। ब्रज में श्री कृष्ण के तन में राज्य है, कोई कौन पहचान पा रहा है? क्या इंद्र पहचाने, ब्रह्मा पहचाने? जिसके ऊपर परम धाम के अक्षरातीत की कृपा है, ग्वाल बाल पहचान रहे हैं, गोपियां पहचान रही हैं। जिन गोपियों के तन में परम धाम की आत्माएँ हैं वो भी 11 साल होते होते उनके ऊपर भी माया का आवरण हो गया। इसलिए ये माया अमल उतारे श्री महामत मेरा टोने ही को आकार। मिहराज के तन में अक्षरातीत बैठे हैं लेकिन माया की आंखों से कोई उनकी पहचान नहीं कर पा रहा है। जिन सुंदर साध को अवेश लीला में दर्शन होते हैं, कोई घटना घटित होती है, तारतम वाणी का प्रकाश होता है, केवल ही पहचान पाता है, अन्य कोई नहीं। अब आप कल सुनेंगे किस तरह से श्री जी, आज आपने सुना कि श्री जी किस तरह से मंदसौर से उज्जैन होते हुए आए, नौलाई होते हुए अब औरंगाबाद पहुँचे। अब औरंगाबाद से चलकर श्री जी अब रामनगर पहुँचेंगे और रामनगर से पंडा जी पहुँचेंगे। ये यहाँ से चलकर बीच में अकोट आए हैं, अकोट से रामनगर आएंगे। आगे के भी तक सुनेंगे अब कल। श्री मामति कहे ऐ मोमिनो, शुक्राना ल्याओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे,